थोड़ी सी रह गई है ये देखें अभी अच्छी तरह इनको जैसे कि भ्रूण हो चुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बाज, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर व खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, आप जा रहे हैं खुश और आबाद रहें, अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, तो अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जितने प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं तो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे वज मेरी तरफ़ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, 6 बजे का टाइम है, तो अभी हम चलते हैं किचन में, तो सेवैयाँ बनाते हैं और फिर सेवैयाँ बना लेंगे तो फिर बाद में बच्चों को भी तैयारी करेंगे तो वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। तो अभी चलते हैं किचन में। तो अभी मैं किचन में पहुंच चुकी हूं और मैंने सेवैयाँ भी निकाल के रखी हुई हैं और मैंने आग भी जला दी है। तो सबसे पहले अभी हम सेवैयाँ बनाएंगे, फातिमा और शुएब भी आ जाएगी। तो अभी मैंने ना इसमें थोड़ा सा घी इसलिए डाला है क्योंकि हम ना वो सेवैयाँ खीर वाली बना रहे हैं, इसलिए। तो अभी जल्दी सेवैयाँ भून जाएंगी तो इसको मैं निकाल के रख दूंगी और फिर हम खीर डालेंगे इसमें। थोड़ी सी रह गई हैं ये देखें अभी अच्छी तरह इनको जैसे कि भ्रूण हो चुकी हैं, थोड़ी भुन गई हैं, तो इनको मैं निकाल के फिर रख दूंगी। फिर दूध शेर रात दूध लेकर आया था तो मैंने वो रख दिया था, अभी फिर दूध डालूंगी। तो आज बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, 3 साल के बाद इस माह रमज़ान के 30 रोज़े पूरे हुए हैं और जिन मेरे बहन भाइयों ने रखे हैं अल्लाह ताला उनके भी कबूल करे और हम सब के लिए भी, हम सब के लिए भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो अभी मैं इनको निकाल के रख देती हूँ क्योंकि ये फिर ज़्यादा काली हो जाएगी और कड़वी हो जाएंगी। तो जैसे ही खीर को उबाल आ जाएगा तो हमने ये सेवैयाँ भी डाल देंगे और साथ में मीठा भी डाल देंगे। तो अभी खीर को उबाल आ चुका है तो इसमें मैं सेवैयाँ डाल देती हूँ। तो प्यार बस अभी हमारी सेवैयाँ तैयार हो चुकी हैं। तो अभी हमने सेवैयाँ को उतार के रख दिया है क्योंकि ये तैयार हो चुकी हैं। तो अभी मैं चलती हूँ, शेर भी तैयारी कर रहा है इसकी, तो फातिमा को भी मैं तैयार करती हूँ। अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर से होंगे। आप जो हैं खुश रहें, आबाद रहें। तो मेरे तरफ तुम्हारे प्यारे बहन भाइयों को सबको ईद मुबारक। तो आज बहुत ही बड़ा दिन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे तमाम प्यारे भाई भाइयों को ईद मुबारक। तो अभी हमने अभी ईद की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अभी ईद की तैयारी कर रहे हैं। तो फातिमा ने बाल भी बना लिए हैं और कपड़े भी पहन लिए हैं। अब इसको मैं ना ये गले का जो हार लिया हुआ था ना, वो थोड़ा यहाँ से ख़राब हुआ पड़ा था, तो मैं बना के इसको पहना रही हूँ। थोड़ी सी लगा लेती हूँ, ना लगा देती हूँ। तो अभी शुएब ना अपने शूज़ निकाल रहा है। तो ये फातिमा के हैं, ये भी पहनेगी। और फातिमा को ना मैं पहले चूड़ियाँ पहना देती हूँ। ये कब से बैठी है, कहती है पहले मुझे चूड़ियाँ पहना दो, तो मैं इसको चूड़ियाँ पहना देती हूँ। कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो अभी फातिमा शुएब ने तैयारी कर ली है, तो ये तो ईद पढ़ने चले जाएंगे क्योंकि 8 बजे ईद पढ़ते हैं, तो फिर हम बाद में तैयारी कर लेंगे। तो अभी ये चलते हैं, सेवैयाँ खाते हैं, उनके लिए मैंने सेवैयाँ बना के रखी हैं। चलो फातिमा। अभी अबू भी तैयारी करके आ चुका है, तो अम्मी ने सेवैयाँ भी लेके आ गई है। तो अभी अबू सलाम करेगा। अस्सलाम वालेकुम, तुम सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो तमाम प्यारे बहन भाइयों को, क्योंकि सबको ईद मुबारक। अभी सेवैयाँ खा रहे हैं। तो आज की वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की। आगे भी इंशाल्लाह अच्छे व्लॉग बनाएंगे। अभी तो सुबह सुबह का टाइम था, सेवैयाँ बनाई थी, तो बच्चे खा रहे हैं जो अभी ये ईद पढ़ने चले जाएंगे। तो ईद पढ़ के जब वापस आएंगे तो कुछ लेकर आएंगे, फिर दोपहर को सालन भी बनाएंगे और साथ में रोटी भी बनाएंगे, तो वो भी आप लोगों से शेयर करें। तो अभी ये नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने सुबह को सेवैयाँ बनाई थी ना, तो ये अभी चले जाएंगे ईद पढ़ने। तो ईद पढ़ के जब वापस आएंगे तो सालन वगैरह भी बनाएंगे, और हमारे घर जो आज मेहमान आएंगे तो वो भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की। तो मेरे तमाम प्यारे बहन भाइयों को भी ईद मुबारक, क्योंकि मैं दोबारा कह रही हूँ। तो आप लोगों ने भी हमारे लिए दुआ करनी है। तो अगली, क्योंकि मैं जितने मेरे प्यारे बहन भाई हैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।